नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को बड़ा तोहफा दिया। नगरीय निकायों को 931.50 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के माध्यम से पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को दूसरी किश्त जारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण पेयजल हमारी प्राथमिकता है। सीएम शिवराज ने कहा, आप इस राशि का प्रयोग सड़क मरम्मत और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भी करें जिससे हर क्षेत्र का विकास हो सके। केंद्रीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बथौली दौरा, क्षेत्र के लोगों की सुनी समस्याएं और समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। बता दें, इस दौरान मंत्री ने 20 लोगों को स्वेच्छा अनुदान की राशि भी वितरित की जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। भारतीय इतिहास पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान, कहा भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय के इतिहासकार साहित्यकारों को संस्कृति की ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिसने जो समझा वो लिखा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा पर बड़ा हमला इस दौरान उन्होंने किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। दिग्विजय सिंह ने पीईबी की तरफ से आरक्षण भर्ती परीक्षा 2022 में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए जाने की मांग की। आरक्षण भर्ती परीक्षा 2020 में 10% आरक्षण दिए जाने को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा गया। नीमच में बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार के जुलूस पर कथित रूप से तलवार लहराने के मामले में वायरल वीडियो में तलवार लेकर झूमे जिलाध्यक्ष, हनुमान जयंती पर निकाला गया था जुलूस। अब मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया। दूसरी तरफ जिला कांग्रेस के केवेंद्र तले एसपी को ज्ञापन देकर मामले की जांच, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने शराब पर अपनी सरकार को घेरा, ट्वीट कर कहा मध्य प्रदेश को यदि उत्तर प्रदेश का अनुसरण करना है तो गांव गांव बिक रही शराब को रोकें। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई बोले, शराबबंदी के फैसले से बुलडोजर के मुकाबले ज्यादा समर्थन मिलेगा, ज्यादा वोट मिलेंगे। कांग्रेस की बैठक पर गृहमंत्री ने कसा पंच, बोले कांग्रेस बस बैठकें ही कर सकती है। गृहमंत्री बोले, कमलनाथ ने ही तो ओबीसी की सबसे ज्यादा उपेक्षा की है, अगर ओबीसी के हितैषी हैं तो कुछ ओबीसी को भी पद दे दें। खरगोन में युवक का शव मिलने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 10 तारीख को डेड बॉडी मिली, 11 को पोस्टमार्टम हुआ, उसके आधार पर मामला दर्ज हुआ। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सद्दाम के नाम से शिकायत दर्ज हुई तब उसकी शिनाख्त हो पाई, मामले की जांच अभी चल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को डिनर पर बुलाया, 20 अप्रैल को नेताओं के साथ चर्चा करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। में मिशन 2023 और राज्यसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, विवेक तनख्वाह, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव को डिनर पर बुलाया गया। कांग्रेस की बैठक में सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह भी होंगे शामिल। विधायकों, संगठन और नेताओं के बीच समन्वय बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की प्रदेश सह संयोजकों की सूची। जबलपुर से बनाए 4 प्रदेश सह संयोजक, पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले को बनाया गया स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक।
ओबीसी वर्ग को साधने में जुटी कांग्रेस, कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मेलन आज, कमलनाथ, राजवाणी पटेल, कैप्टन अजय सिंह होंगे शामिल। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग पदाधिकारी सम्मेलन में ओबीसी को 27% आरक्षण समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा, ओबीसी वर्ग की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, ये बात सही, कमलनाथ सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना कर दी थी बंद। मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले, मुख्यमंत्री शिवराज ने योजना चलाई थी, कई वर्षों से योजना चल रही थी, जब कमलनाथ सरकार आई तो योजना बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ जा रही ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से होगी रवाना, मुख्यमंत्री दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी। कैलाश विजयवर्गीय ने शिवम से मुलाकात की, खरगोन हिंसा में घायल हुए शिवम की तबियत को लेकर डॉक्टरों से चर्चा की। आगामी 22 अप्रैल को सीएम भूपेश बघेल गंज मंडी स्थित नवनिर्मित पानी टंकी के साथ विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, दुर्ग जिले में होगा कार्यक्रम। दुर्ग में पानी की समस्या को देखते हुए गजमंडी में किया जा रहा पानी की टंकी का निर्माण, लोगों को मिलेगा स्वच्छ और साफ पानी, आगामी 22 अप्रैल को होगा लोकार्पण। सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने अधिकारियों के साथ कल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे कलेक्टर, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। अजान को लेकर फिल्म जगत की मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने दिया बयान, निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अनुराधा पौडवाल बोली, मैंने अजान पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की। अनुराधा पौडवाल ने कहा, देश का कानून सबके लिए एक, तेज आवाज में लाउडस्पीकर स्पीकर पर होने वाली अजान की आवाज कराई जानी चाहिए कम। स्मार्ट सिटीज कॉन्फ्रेंस में इंदौर को मिले 6 अवार्ड, केंद्रीय मंत्री से निगम कमिश्नर और कार्यपालक निदेशक प्रतिभा पाल ने सूरत में लिया अवार्ड। गुजरात में स्मार्ट सिटीज कॉन्फ्रेंस में इंदौर को सैनिटाइजेशन म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, ओवरऑल इंदौर रहा पहले पायदान पर। महेश बोर्ड के आंगनबाड़ी में लगा टाइल्स गिरा, आंगनबाड़ी के 4 मासूम घायल, 108 के जरिए मासूमों को ले जाया जा रहा जिला अस्पताल, 3 की हालत नाजुक बताई जा रही। सड़क निर्माण में लगी वाहनों में नक्सलियों ने किया आगजनी, सड़क 4 से 5 ट्रैक्टरों में लगाई आग, 100 से 150 की संख्या में कुछ वर्दीधारी नक्सलियों ने दिया वारदात को अंजाम, हथियारों से लैस थे नक्सली। आगजनी के दौरान बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से लैस थे नक्सली, गांव के सरपंच, सचिव और पूंजीपतियों को दूर रहने की दी चेतावनी। बीजापुर के गुटरू इलाके में पुलिस कैंप पर नक्सली हमले में के बाद पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान तेज, नक्सली हमले में 4 जवान हुए थे घायल। नक्सली हमले में घायल 2 जवानों की हालत गंभीर, भारी मात्रा में पुलिस सुरक्षा बलों को जंगलों में रवाना किया गया, पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान तेज करने के निर्देश। इंदौर में 10वीं क्लास की छात्रा ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का शिकार हुई, हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती को सकुशल राजस्थान के बांसवाड़ा से बरामद किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पीड़ित परिवार की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। राजस्थान के युवक ने प्रेम जौल में फंसाकर बुलाया था राजस्थान, बंधक बनाकर बेचने की कर रहा था तैयारी, यानी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में आईपीएल का सट्टा खेलने के मामले में लगातार आ रहा सामने, वर्तमान में विभाग की कार्यवाही से इंदौर एडिशनल कमिश्नर संतोष नहीं। इंदौर एडिशनल कमिश्नर राजेश हिड़ंकर ने कहा, बुराई को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं। दुर्ग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से चोरी की 17 बाइक बरामद की गई। शहडोल में पुलिस कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, जहां पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
शमशाबाद के बरोदिया रोड स्थित घाट खेड़ी में है। शमशाबाद के बरोदिया रोड स्थित घाट खेड़ी में गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग, मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। मुरडा में सिलेंडर विस्फोट से पति की मौत, पत्नी को आई मामूली चोटें, खाना बनाते समय ब्लास्ट हुआ था सिलेंडर। शहडोल जिले में हाथियों का आतंक जारी, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने में लगी, बार बार गांव की तरफ आ रहे थे हाथी। शहडोल जिले में हाथियों को जयसिंह नगर जनपद को बनाया निशाना, ग्रामीण इलाकों में घरों को हाथियों ने किया तहस नहस। एमपी के अनूपपुर में स्थानीय लोगों को पानी की समस्या का करना पड़ रहा सामना, जिले के पहाड़ी इलाके पुष्पराजगढ़ में लोग 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर। जहांगीरपुरी हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, एनआईए से जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंसा का मामला। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष की बेल हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में दी जमानत। चौबीस घंटे में कोरोना के 2183 नए केस देश में मिले। दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी जिलों और लखनऊ में मास्क हुआ अनिवार्य, कोविड के बढ़ते केसेस के चलते सरकार का फैसला। आईपीएल के 15वें सीजन में मंडराया कोरोना का खतरा, दिल्ली की पूरी टीम क्वारंटीन, फिजियो और एक प्लेयर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया, अब तक इस मामले में 23 गिरफ्तारी हो चुकी है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही पुलिस ने अब तक 3 पिस्तौल और 5 तलवार को भी कब्जे में लिया है। पिस्तौल और तलवार का इस्तेमाल हिंसा को भड़काने के लिए किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 14 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया है, कोर्ट ने अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस रिमांड दी है, वहीं अन्य 12 और को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा 15 तारीख को अंसार और असलम को पता लग गया था कि एक यात्रा निकलने वाली है और इन लोगों ने साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी इलाके में हुई घटना की जांच शुरू कर दी है, स्पेशल सेल की टीमें सीसीटीवी फुटेज और इलाके में अपराधियों की लिस्ट खंगाल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने उपद्रव की जांच के लिए 10 टीमें गठित की हैं, मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया कन्या पूजन, गुजरातियों को देंगे 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर बड़ा फैसला, नासिक में धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए अब मंजूरी जरूरी। यूक्रेन बॉर्डर के पास दिखे पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160, डोनेट्स्क में 24 घंटे में 9 बार हुए रूसी हमले, 2 लोगों की मौत। रूसी हमले में करीब 1.5 महीने के बाद यूक्रेन के शहरों के हालात बदलने लगे हैं, यूक्रेनी देश लौट रहे हैं। यूक्रेन का दावा, मार गिराए रूस के 3 हेलीकॉप्टर, 1 विमान यूक्रेन का दावा। चीन में कोरोना का कहर, शंघाई में कोविड से 3 लोगों की हुई मौत। दक्षिण अफ्रीका में के क्वाजुलुल नजात में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 423 हो गई है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के जारी युद्ध के बीच वैश्विक परिदृश्य पर भी चर्चा करेंगे बोरिस जॉनसन। ये मोदी के साथ बैठक के दौरान जॉनसन प्रमुख रूप से आर्थिक, डिफेंस, सिक्योरिटी और तकनीकी सहयोग के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की की वीडियो जारी कर उन्होंने दर्द अपना बयान किया, कहा मजबूत हैं, हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी का दावा, युद्ध की शुरुआत से अब तक आए 3 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक। एलएसी पर सामने आई चालबाज चीन की काली करतूत, एलएसी के करीब लगाए गए 3 मोबाइल टावर। लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद लेह के चुगल पार्षद कोंचोक की तस्वीरें जारी की। मई में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% टैक्स स्लैब हटाने पर हो सकता है फैसला। रोजमर्रा की चीजों के लिए 3% तय हो सकता है टैक्स स्लैब। छात्रों में कोविड के नए मामले आए सामने, बीते 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 19 स्कूली छात्र समेत 65 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में ऑटो टैक्सी और मिनी बस चालकों के कई संगठन आज से 2 दिन की हड़ताल पर है। वहीं हफ्ते का पहला कामकाजी दिन होने के चलते हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों को कम करने की मांग कर रही है। बॉक्स ऑफिस के राजा रॉकी भाई के GF2 ने हिंदी में 4 दिन में कमाए 194 करोड़ रुपए। हिंदी केरल और कर्नाटक में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनी। विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली फाइल्स फिल्म बनाने के ऐलान के बाद किया बड़ा ऐलान, बोले दिल्ली कई सालों से दिल्ली फाइल्स की चर्चा हो रही थी।